मोटो व्लॉगिंग कितनी कूल सी चीज लगती है, नहीं सुनने में लगता है इतना बढ़िया सेटअप हो, ना तो कुछ मेहनत करनी है, ना तो बाल बनाना है, ना कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए, बस कैमरे के पीछे हमको रहना पड़ता है जिसमें ना तो कहीं पे फेस दिखता है एंड सिर्फ बाइक चलाते चलाते कुछ बातें ही तो करनी है लोगों से। सो हाँ, ये दिखता बहुत ज़्यादा आसान है पर करने में जो है वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मोटो व्लॉग तो हर कोई बना लेता है यार, इस पे कैमरा लगा दिया, मैंने दो शब्द बोल दिए तो मोटो व्लॉग बन गया। मोटो व्लॉग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है पर मोटो व्लॉग को परफेक्ट बनाना ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी बात है। अब परफेक्ट मोटो व्लॉग की कोई डेफिनेशन तो नहीं होती पर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसमें से कुछ मिस्टेक्स जो है वो कई बार मैं भी कर देता हूँ, कई बार मैंने आगे भी की है। सो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है एंड मैं जो है वो करीबन पिछले एक साल से इस मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में घुसा हूँ। मैंने बहुत सारी अलग अलग जगहों पर मोटो व्लॉग किए हैं एंड बहुत सारी अलग अलग बाइकों पे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैंने मोटो व्लॉग को रिप्रेजेंट किया है। सो ऐसे में जो है वो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। सो मैं आज जो है वो आपको कुछ मेरी गलतियों के बारे में बताऊंगा, मैंने क्या गलती की थी एंड आप जो है वो उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली गलती जो कि अक्सर हर एक मोटो व्लॉगर स्टार्टिंग में करता ही है वो है मोटो व्लॉगिंग का एंगल। सो देखो, एंगल जो है वो हर एक बंदा आपको अलग अलग सजेस्ट करेगा। कोई बोलेगा 40-60 का रेशियो रखो कि 40% आपकी बाइक दिखनी चाहिए, 60% रोड दिखना चाहिए। किसी का ऐसा है 30-70 का रेशियो यानी कि 30% डैशबोर्ड। तो सब आपको अलग अलग एंगल रखने को बोलेंगे। अब मेरे ख्याल से ये जो एंगल्स होते हैं ये कभी भी फिक्स नहीं होते, ये आपको अपने आप से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एंगल को कैसे सेट करोगे। सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं डिवाइड करता हूँ जिसमें मैं जो है वो लाइक नॉर्मली इन तीन कंडीशन के हिसाब से इस एंगल को सेट करता हूँ। जो पहली कंडीशन होती है वो होती है नॉर्मल सी सिटी राइड्स, चीजों के बारे में मैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए बीच में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। सो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि 30% का जो मेरा हिस्सा होता है वीडियो फ्रेम का वो मैं देता हूँ बाइक के डैशबोर्ड को एंड बाकी का सारा ही जो है वो रोड दिखाता हूँ। अब यहीं पे मान के चलो मैं किसी बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ, यानी कि पर्टिकुलर रिव्यू कर रहा है या फिर किसी भी बाइक के ऊपर मैं अपने कुछ ओपिनियंस दे रहा हूँ बाइक को चलाते चलाते, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि बाइक का जो डैशबोर्ड होगा उसको मैं जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कवर करूंगा, यानी कि मान के चलो 45-50% जो है वो मैं फ्रेम में सिर्फ डैशबोर्ड को ही रखूंगा जिससे बाइक के साथ जो है वो लोग ज्यादा रिलेट कर सके, ना कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आसपास के एनवायरनमेंट में चीजें चल रही है उस पर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सो ये जो है वो दूसरी कंडीशन है। तीसरी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मान के चलो कि मैं कहीं पे बाहर गया हूँ, मैं कहीं पे बहुत अच्छी जगह पे गया हूँ, मेरे को लग रहा है कि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डैशबोर्ड है वो मैं ना दिखाऊं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मैं मौसम को दिखाऊं। सो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि बाइक का जो डैशबोर्ड है उसे ज्यादा से ज्यादा कटआउट करने की कोशिश करूंगा। मैं उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा कि मैं कैसे एंगल को ऊपर रख के आगे का जो नजारा होता है उसे दिखा सकूं। सो कैमरा एंगल वाला जो टॉपिक है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा पर्सपेक्टिव आपको दिखाना है आपके व्यूअर्स को, आपको ज्यादा बाहर का नेचर दिखाना है, आपको ज्यादा बाइक दिखानी है या फिर आप जस्ट नॉर्मल सी सिटी राइड्स करते हैं। सो ये पहली बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। सो जो दूसरी कॉमन सी एक मिस्टेक जो कि ज्यादातर मोटो व्लॉगर्स को मैंने करते हुए देखा है वो ये है कि वो एकदम जो है वो कंटिन्यूसली मान के चलो अगर ये मोटो व्लॉग करते हैं तो कंटिन्यूसली एक साथ बोलते ही रहते हैं। मतलब मान के चलो कि एक आपकी क्लिप है 2-2.5 मिनट की, तो वो 2-2.5 मिनट की क्लिप में वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में या फिर किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। सो ये गलती प्लीज 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 ना करें। सो मैं ज्यादातर ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब मोटो व्लॉग में किसी भी चीज को आप बोल रहे हैं, मान के चलो आप किसी एक टॉपिक पे बोल रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आप ट्रैफिक के बारे में बोल रहे हो और वो जो है वो आपका सेंटेंस मान के चलो कि वो ट्रैफिक का मामला आपने 40 सेकंड तक बोला, अभी उसके बाद में एक ऐसा पोज ले लो कि आप जो है वो अगले 30-40 सेकंड तक और कुछ भी ना बोले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो 30-40 सेकंड की क्लिप आप रखो, आपने एक सेंटेंस बोला फिर मान के चलो 4-5 सेकंड का आपने एक ऐसा ट्रांजिशन सा लगा दिया बीच में
कि आप जो है वो थोड़ा सा चल के आगे गए जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, फिर जो है वो आप कुछ नए टॉपिक पे बोलना चालू करते हो, फिर जो है वो आप 30-40 सेकंड बोलते हो, फिर जो है वो 5-6 सेकंड का कुछ ऐसा ट्रांजिशन रखते हो, इससे कि क्या होगा कि आप एक तो ज्यादा बेहतर तरीके से बोल पाएंगे एंड ऑडियंस भी जो है वो कंटिन्यूअसली सुन के जो है वो एक ही चीज सुन के स्किप करने का ट्राई नहीं करेगी, क्योंकि आप बीच में जो है वो थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, स्टोरी ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कन्वे हो रही है। सो ये चीज का जो है वो एक ध्यान रखें एंड ये जो है मेरा सजेशन है कि इस चीज को प्लीज अपने कंटेंट में ट्राई कीजिए। तीसरी एक कॉमन सी मिस्टेक जो कि बहुत से लोग करते हैं एंड बार बार करते हैं अपने मोटो ब्लॉग में, वो है वाइजर बंद करके मोटो ब्लॉग को करना। अब ऐसा करने का ज्यादातर लोगों का रीजन यही रहता है कि वाइजर अगर आप बंद कर दोगे, अगर ऐसे बंद वाइजर है सो आपका जो आवाज है उसमें विंड नॉइस बहुत कम आएगी, जिससे कि आपकी जो आवाज है वो ज्यादा क्लियर लोगों तक जाएगी। अब इसमें जो है वो लाइक आपकी जनरल थिंकिंग यही होती है कि हाँ भाई ये होता होगा एंड मैंने भी स्टार्टिंग में ज्यादातर मोटो व्लॉग्स में यही किया है कि मैंने वाइजर बंद करके ही जो है वो ज्यादातर मोटो व्लॉग्स बनाई है। इस चीज से क्या होगा कि आपका जो आवाज है वो इतना ज्यादा क्रिस्प नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपके जो दो वर्ड्स है उसके बीच में आप कुछ पॉज ही नहीं ले रहे हो, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। इन शॉर्ट जो आपके आवाज है उसमें डेप्थ जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी एंड बहुत ज्यादा ही जो है वो गंदी सी आवाज आएगी। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो अपना इतना पार्ट जो है वो खुला रख के जो है वो बात करता हूँ, जिससे मुझे जो है वो ज्यादा विंड नॉइस भी नहीं आती एंड मेरी जो आवाज है वो भी जो है वो लाइक हेलमेट के अंदर इतनी ज्यादा गूंजती नहीं है। सो ये जो है वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है एंड इस चीज को प्लीज मत करना कि एकदम ही वाइजर बन करके मोटो ब्लॉग करे, ये चीज जो है वो कभी भी ना करे, इससे जो है वो आवाज बहुत ज्यादा ही जो है वो गंदी आ जाती है। सो ये मिस्टेक भी जो है वो अवॉइड कीजिए। फोर्थ मिस्टेक जो कि बहुत से लोग करते हैं एंड मैंने लोगों को ये मिस्टेक करते हुए काफी बार जो है वो देखा है, पीपल आर चूजिंग रेजोल्यूशन मोर देन FPS। सो इस चीज का मतलब क्या है कि काफी लोग जो है वो 4K में शूट करते हैं मोटो लोग एंड वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं FPS के साथ। FPS एटलीस्ट 60 FPS आपके मोटो लोग में होने ही चाहिए, जिससे कि जो फुटेज आप रोड पे बना रहे, क्योंकि रोड पे जो है वो बहुत 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 ज्यादा मूवमेंट्स होती हैं एंड वहां पे आपको ज्यादा FPS की बेशक जरूरत पड़ती है एंड अगर वहां पे ज्यादा FPS नहीं होगे तो वीडियो बहुत ज्यादा ही जो है वो चौपी सी लगेगी, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगेगी, कहीं से भी जो है वो आपको ना तो ज्यादा बेहतर जो है वो कलर रेंज मिलेगी ना तो आपको जो है वो, क्योंकि फ्रेम्स इतने जल्दी चेंज होते हैं रोड्स के ऊपर, स्पेशली जब आप बाइक चलाते हैं हाई स्पीड्स पे सो फ्रेम्स बहुत ज्यादा जल्दी से चेंज होते हैं एंड उसमें 30 फ्रेम्स या फिर 24 फ्रेम्स जो है वो काम नहीं देती है, 60 FPS पे काम करो। सो ये चीज जो है वो प्लीज मेक श्योर करो, रेजोल्यूशन को ज्यादा मत चूज करो, आप जो है वो ज्यादा FPS को जो है वो चूज करने का ट्राई करो। सो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। सो जो फिफ्थ मिस्टेक जो कि ज्यादातर मोटो व्लॉगर्स करते हैं, जो कि मैंने भी जो है वो शुरुआत में कहीं ना कहीं की थी, वो है अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे करते हुए देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने कैमरे के बीच में बहुत ज्यादा माउंट्स का यूज करते हैं, हाँ उससे एंगल थोड़ा सा ज्यादा बेहतर मिल सकता है या फिर थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, पर ऐसे सेटअप में एक आपको मशक्कत तब होगी जब आपको मोटो व्लॉग में कुछ एकदम से कुछ अच्छा आ जाए और उसको आपको अगर शूट करना है या फिर आपको ऑन द गो कुछ भी शूट करना है, आप लॉन्ग ट्रिप्स पे है एंड वहां पे आपको शूट करना है तो उस टाइम पे वहां पे जो है बहुत ज्यादा ही जो है वो दिक्कत होती है। ऐसा ही प्लग एंड प्ले सेटअप रखो कि हाँ भाई मेरे को जरूरत है तब मैंने कैमरा डाला, जरूरत नहीं है सो एकदम इजी मैंने कैमरा निकाल दिया रख दिया साइड में, मेरे को माइक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसके नीचे मेरा माइक है, मेरे को माइक की जरूरत नहीं है, मैंने तार निकाल के डाल दी इस पैडिंग में। सो कुछ भी जो है वो लाइक एकदम प्लग एंड प्ले एकदम इजी सिस्टम रखो, ज्यादा जो है वो मशक्कत वाला सिस्टम मत रखो। सो यही है कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैंने बहुत ज्यादा की थी और ज्यादा मिस्टेक्स में शायद करता ही होऊंगा, क्योंकि हर कोई जो है वो परफेक्ट तो नहीं ही हो सकता। मैं आज भी जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ जो कि मैं देखता हूँ कि मेरे से बड़े यूट्यूबर्स नहीं करते हैं, फिर मैं सीखता हूँ, फिर उन्हीं मिस्टेक्स को सुधारता हूँ। सो ऐसे ही जो है वो मैंने कुछ शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की थी जिसको मैं अभी रियलाइज करता हूँ, शायद आज की मिस्टेक्स में एक साल बाद रियलाइज करूंगा। सो यही है कुछ मिस्टेक्स,
आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की ट्राई करें। एंड बाकी ऐसा ही अगर कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।